कर दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अल्टरनेटिव मेडिसिन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, मगर उनके इंस्टीट्यूशन जो है वो या तो ख़त्म हो गए, पैरिश हो गए, या उनकी वेरिफिकेशन नहीं देते, या जहाँ पे वो उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है उसके नीचे एड्रेस ही नहीं होता, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है नीचे उसका एड्रेस ही नहीं है। तो ये कारण का हमने मन में सोचा कि वो कहीं 40 साल के हैं, कोई 50 साल का है बंदा, तो बहुत फ़ोन आते हैं भी अल्टरनेटिव मेडिसिन में वो आगे कुछ करना चाहते हैं। जब फाउंडेशन ही बहुत वीक हो, नींव वीक हो, तो उसके ऊपर बिल्डिंग कैसी खड़ी होगी। तो एनी हाउ हमने क्या किया, हमने सोचा कि कोई उनके ऊपर वर्कशॉप ऑनलाइन चलाई जाए, ऑनलाइन वर्कशॉप चलाई जाए अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर। हर हफ्ते या हर महीने ऑनलाइन वर्कशॉप की हम रजिस्ट्रेशन करें, ताकि उन बच्चों को कुछ हम अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में अपडेट्स दें। तो नेचुरली हमारे दिमाग में जो ये बात आई है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर कंटिन्यूइंग मेडिकल या CME दें, तो ऑनलाइन वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन की उन बच्चों की करें। तो मैंने उसके लिए सोचा कि वो बच्चा हमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन देगा, उसमें पहले नाम लिखा होगा उसका, फिर वो अपना फादर नेम लिखेगा, फिर वो एड्रेस लिखेगा अपना, और फिर वो क्वालिफिकेशन जो पिछली उसकी क्वालिफिकेशन है वो अपने हाथ से लिखेगा, फिर क्वालिफिकेशन की जो बॉडी है जहाँ से उसने की है वो लिखेगा, और छठा पॉइंट वो अपना मोबाइल नंबर लिखेगा और नीचे वो साइन कर दे। तो जो भी हम उससे फीस लेंगे तो वो इस आधार पे लेंगे कि वो अपना नाम लिखेगा। ये ऑनलाइन वर्कशॉप अल्टरनेटिव मेडिसिन की जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो इसके ऊपर अपना नाम, फिर वो फादर नेम हाथ पे लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, क्वालिफिकेशन जो विधिक योग्यता उसने ली किसी इंस्टीट्यूशन से अल्टरनेटिव मेडिसिन की, और जो बॉडी का नाम है, एड्रेस और मोबाइल नंबर, और नीचे वो अपने साइन कर देगा। ये वो हमें फॉर्म हार्ड कॉपी हमारे एड्रेस पे भेज देगा। जो भी प्रेस्क्राइब फीस होगी उसके बाद हम उसका नाम वर्कशॉप के लिए रजिस्टर्ड कर लेंगे, वर्कशॉप जिस डेट को होगी। अब नेचुरली हम उसको जो वर्कशॉप कंप्लीट होने पे उसकी उसको एक सर्टिफिकेशन देंगे अल्टरनेटिव मेडिसिन में कि उसने वर्कशॉप के लिए रजिस्टर्ड किया, अटेंड की, उसने ऑनलाइन अटेंड की, उसमें नाम लिखा होगा उसका, उसके पिताजी का नाम, और जैसे उसने एड्रेस बोला, और जो क्वालिफिकेशन उसने अल्टरनेटिव मेडिसिन की ले रखी है वो होगा, और जिस बॉडी से ले रखी है उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर, ठीक है जी। और वो जो हम देंगे उसको, तो नेचुरली उसने जो हमें डिक्लेरेशन दी है उसके भी आधार पे ही देंगे कि इसने हमने हमारे पास ऑनलाइन चीज अटेंड की। अब जो हम देंगे उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से वो अटेस्ट करवा सकता है कि उसने ऑनलाइन वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन की अल्टरनेटिव मेडिसिन की, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन से उसने अल्टरनेटिव मेडिसिन का कुछ भी लिया है उसका आता पता ही नहीं है, तो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर तो उसको मानेगी नहीं। तो उसके आधार पे उसकी मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर पे मोहर लग जाएगी कि उसकी वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेट है, वो आगे पढ़ा, चाहे एक दिन के लिए पढ़ा चाहे एक घंटे के लिए पढ़ा, मगर उसके लिए उसको पासपोर्ट चाहिए होगा। पासपोर्ट की कॉपी हमें भेजेगा, फोटो भेजेगा, प्लस ये फॉर्म अपने हाथ से भर के भेजेगा, इसको टाइप नहीं करवाना, वो हाथ से लिखेगा। तो हम भी देखना चाहते हैं कि कम से कम उसको अपने नाम के नाम, फादर नेम, एड्रेस लिखना भी आता है कि नहीं,
मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो अपने नाम का रजिस्ट्रेशन भी लिख नहीं पाते, रजिस्ट्रेशन की तो अलग बात, अल्टरनेटिव मेडिसिन के पूरे शब्द नहीं लिख पाते, और जो उनको सर्टिफिकेट अल्टरनेटिव मेडिसिन में मिला उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ जो उनको ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, जो कोई टीचर है जो उसका गुरु है वो नहीं ठीक लिख रहा, तो वो बेचारे क्या लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, ऑनलाइन वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन हो गई और प्रिस्क्राइब फीस लेके, और फिर ऐसे आगे वो पढ़ना चाहे अल्टरनेटिव मेडिसिन के तो पिछले वाला ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हम बीच में लिख देंगे कि यहाँ से वे बंदा पढ़ा हुआ। ठीक है जी, तो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।